नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक अंग हमारी हर कोई विशेषता बताता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके नाखूनों के आकार और आपके नाखूनों की आकृति के अनुसार आपके क्या भविष्य होगा। यदि आपके नाखून में नीचे की साइड जो जड़ की साइड आपके नेल्स होते हैं उसमें अर्धचंद्र बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही स्वाभाविक से अच्छे होते हैं, उनके पास धन होता है और अपने पास धन होने की वजह से अपने काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ ज़्यादा प्यारे होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो यदि किसी के व्यक्ति की हाथों की उंगलियों में जड़ की साइड से नाखूनों में चंद्र बना हुआ है और अर्धचंद्र हो तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के नेल्स पर गुलाबी रंगत आ रही है तो ऐसे व्यक्ति कुछ ज़्यादा उच्च पोस्ट के होते हैं। यदि इनकी नौकरी लग जाती है तो भी, और अगर नहीं भी लगती है तो इनका सभी सम्मानजनक आकर्षण करते हैं और हमेशा प्यार बना रहता है। ऐसे व्यक्ति उच्च पोस्ट पर ना होने की वजह से भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ऊपर जितने भी उच्च पोस्ट करने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं हमेशा उनकी बात मानते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की उंगलियों में काले या फिर व्हाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बीमार रहते हैं या फिर वह बीमारी से घिरे रहते हैं। यदि किसी स्त्री के हाथों में व्हाइट या फिर ब्लैक कलर के धब्बे पड़े हुए हैं तो ऐसी स्त्री हमेशा अपने पति से लड़ती रहती है और हमेशा अपने कुतुरबुन यानी कि अपने दिमाग को शैतानी दिमाग बना के रखती है, हमेशा उल्टा ही सोचती है, कभी भी उस कार्य को सही से नहीं सोच सकती है, हमेशा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही सोचती है। और यदि किसी स्त्री के नाखून हल्के रेड कलर के हैं तो वे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं और ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा धनवान होती है। तो यदि किसी भी स्त्री के हाथों के नाखून लाल कलर के हैं या फिर लालिमा आ रही है तो ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जितनी प्रतिष्ठा उनकी होती है उतना ही पद उनका ऊंचा माना जाता है। यदि आपके नाखून के अनुसार आप जानना चाहते हैं कि आपके स्वभाव कैसे हैं तो जानिए इस वीडियो के दौरान, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।